करने जियो जीने दो, जय धर्म का करने जियो जीने दो, जय करो गुरुदेव का जय गुरुदेव। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की जय। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की जय। मेरी
जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए परम पूज आचार्य प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जिस पर भी गुरु का हाथ होता है उसका समझते ही गेड़ा पार हो जाता है। शुक्राना
बोलो शुक्राना शुक्राना तेरा गुरु किया है सदा करेगी सदा शुक्राना तेरा हमने सदा ही किया है तूने हक से ज्यादा गुरु हमको दिया है शुक्राना शुक्राना तेरा गुरु किया है सदा जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आज हम सभी परम पूज गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर बैठे हैं। 48 रिद्धि मंत्रों के माध्यम से भक्तामर महादीप अर्चना का हम सभी संपन्न करने जा रहे हैं। परम पूज गुरुवर का आशीर्वाद है, चिंतामणि पार्श्वनाथ का साथ है और आज जिनेंद्र नरपतिया जी के घर ये सौभाग्य जगह है कि परम पूज गुरुदेव के चरण कमल उनके घर रखे गए हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं ये सौवेशाहुडं एसो पंचिनमोकारो सौव पाव विपणाशनो मंगलाडं च सौवेशिं परमं होई मंगलं परमं होई मंगलं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं वीर धर्मोस्तु मंगलं वीर धर्मोस्तु मंगलं। जय बोलो देवादिदेव 1008 से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी मुनिराज की। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। आप सभी लोग जय बोलिए। परम पूज आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। आज हमारे धर्मानुरागी जिनेंद्र जैन नरपतिया जो कि श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन महासमाज के अध्यक्ष हैं और आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर भी हैं, इनके यहाँ पर बहुत दिनों के बाद धीरज जी 6 साल बाद नहीं ये 6 साल से लगे थे जब से मकान बनाया कि
कि एक बार जो है जरूर यहाँ पर चरण पढ़ना चाहिए। और जब वैदवाड़ा में थे तो मैंने चतुर्मास किया था मॉडल टाउन, तो मैंने जिनेंद्र से कहा कि तुम मॉडल टाउन की ओर जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छी समाज है और धर्मात्मा समाज है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसी दिन से उन्होंने यहाँ पर ढूंढना प्रारंभ किया और गुरु आज्ञा से यहाँ पर आए, पर यहाँ पर हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा संयोग मिला कि यहाँ पर आ ही गए। तो ऐसे जो गुरु भक्त हैं, जो रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका है उसके आप परम संरक्षक भी हैं, जब वहाँ की भूमि सरकार द्वारा प्राप्त होनी थी तो सर्वप्रथम अपना दान, उस समय हम वैदवाड़ा के खंडेलवाल मंदिर में थे और विधान चल रहा था, धीरज सिद्धचक विधान चल रहा था, रोहिणी वालों ने कराया था सबने, और उसी समय खबर आई और तुरंत दान बोला और वह मंदिर आज जो है विश्वविख्यात मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। 1600 वर्ष प्राचीन पारसनाथ भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान है और सभी के मन को हरने वाली है, सभी के सुख में कारण बनने वाली है, ऐसी मनोज्ञ सुंदर श्री पारसनाथ की प्रतिमा। हम सभी लोग भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हैं और हमें अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए कि हम भगवान महावीर स्वामी के संतान हैं, जिन्होंने हमें सत्य, अहिंसा, आचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे आवाज कम करेंगे मूलभूत सिद्धांत दिए, और ऐसे सिद्धांत दिए जिन सिद्धांतों के कारण हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे समाज में सुख है, शांति है, समृद्धि है। आज हर व्यक्ति इस बात के लिए कहता है कि भैया जैन समाज के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं, सुखी हैं। कारण यही है कि महावीर स्वामी ने कहा है तुम जैसे जीना चाहते हो दूसरों को भी ऐसा जीने दो, अपने आप तुम सुखी हो जाओगे। हमने एक इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय तक के जीवों को जीने का अधिकार दिया है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी को मारने का भी हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने हमें सिखाया। और आप सब लोगों को वही सिद्धांत आपके माता पिता ने और आपके गुरुओं ने आपको दिया है, इसलिए ऐसे जैन कुल में जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, जहाँ पर बचपन से ही कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है और बोला जाता है बेटा ध्यान रखना, जीवों की दया करना, मंदिर जाना और पानी छान के पीना, कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना आदि अनेक ऐसे ऐसे आचरण की बातें जो हैं हमें बचपन से सिखा दी जाती है। हमारे बच्चे जो हैं कभी भी गलत कार्य करने से 100 बार पहले सोचते कि क्या हम कर पाएंगे। इस प्रकार से ऐसे संस्कार हमें जैन कुल में मिले हुए हैं। सचमुच में आप अपने भाग की सराहना करते हुए अपने लिए एक बार जो है ताली बजा लो। और हम ऐसे कृपालु दयालु भगवान महावीर स्वामी के जो हम पर अनंत उपकार हैं हम कैसे चुका सकते हैं। आज हम सब लोग उनके ही शासन में ही तो हैं। जब तक किसी और तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है तब तक किनका शासन चलेगा, महावीर स्वामी का। तो आइए हम महावीर स्वामी की वंदना करते हैं। हमारे बीच में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, वैदवाड़ा की पूरी जैन समाज, खंडेलवाल जैन समाज उपस्थित हो रही है और मॉडल टाउन की समाज, तो महाराज जी हैं तो आनी है सबको, तो फिर तो क्या है। तो मॉडल टाउन की समाज भी सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी की वंदना करते हैं। हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी, बोलो
देखो ये तो बात है कि ठंड है, पर ये भी तो बात है कि इतने सारे कपड़े पहने हो तुम लोग, तो फिर आपको तो बड़े उत्साह होना चाहिए। बोलो हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, बोलो हे अंतर्यामी, हाथ खोलो, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो कर्म जंजीर हे वीर महावीर, हे वीर महावीर, वीर तेरी चर्चा वीर तेरी चर्या, वीर तेरी चर्चा वीर तेरी चर्या, सभी बोलेंगे वीर तेरी चर्चा वीर तेरी चर्या, वीर तेरी चर्चा वीर तेरी चर्या, करती भव के शिक्षा और दीक्षा दोनों ही संसार की इच्छाओं से मुक्त करा करके मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाती है, तो ऐसी शिक्षा भी हमें प्राप्त हुई है और ऐसी हमें दीक्षा भी प्राप्त हुई है। वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा, बोलो वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा वीर तेरी दीक्षा, हरती मन की वीर वीर महावीर महावीर, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो कर्म जंजीर हे वीर महावीर, हे वीर महावीर। वीर तेजस्वी वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी वीर ओजस्वी, हमारे वीर कैसे हैं, हमारे महावीर कैसे हैं, बोलिए कैसे हैं। एक तो तेजस्वी है, जिनको देखने मात्र से ही हमारे मिथ्या भाव जो है दूर हो जाते हैं, ऐसे हमारे महावीर हैं, तेजस्वी हैं, और उनकी वाणी कैसी है, ओजस्वी है, गर्जना युक्त है। तो वीर तेजस्वी वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी वीर ओजस्वी, कीना तप गंभीर हे वीर महावीर, हे वीर महावीर,
स्वामी की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी ने हमें सत्य के मार्ग में चलना सिखाया और सत्य का दर्शन दिया। हमें कौन सी आंखें दी महावीर स्वामी ने? कौन सी आंखें दी? ज्ञान चक्षु। कौन सी चक्षु दी? ज्ञान चक्षु, कि ज्ञान की आंखों से तुम हर चीज को, सत्य और असत्य को जानो। ज्ञान की चक्षु से जो सत्य है उसे ग्रहण करो, जो असत्य है उसको छोड़ो। इससे ही तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। महानुभाव, हम ऐसे परमात्माओं को स्वीकार करते हैं जिनकी आत्माएं जो हैं शुद्ध हैं। शुद्ध आत्माओं को हम नमस्कार करते हैं, शुद्ध आत्माओं की हम वंदनाएं करते हैं। कितनी शुद्ध आत्माएं हैं हमारे पास? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जो पांच आत्माएं हैं ये शुद्ध आत्माएं हैं। और ऐसी शुद्ध आत्माओं की हम सदा वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, और इनकी आराधना से ही फिर हमारी भी आत्मा की आराधना हो जाती है। हम ऐसी शुद्ध आत्मा को ध्याएंगे। समय सार में लिखा है, अशुद्ध का ध्यान करोगे तो अशुद्धता पाओगे, और शुद्ध का ध्यान करोगे तो शुद्ध क्या है? शुद्ध ये पांच परमेष्टि की आत्माएं, इनका अवलंबन लेकर के जब ध्यान करोगे तो हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। तो ऐसे पंच परमेष्टि संबंधी नमोकार महामंत्र को अपन स्मरण करते हैं। सब लोग को बहुत ठंड लग रही है, लेकिन पंच परमेष्टि का नमस्कार करने में आपके जो है बिल्कुल मन वचन काय जो है भक्ति में लग जाना चाहिए। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। बोलो जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। नमोकार महामंत्र को भैया निस दिन जपते रहो। दिन जपते रहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। नमोकार महामंत्र को प्राणी जपते ही रहो। हर नगर में, हर डगर में, हर पहर में अपना मुख खोलो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। नमोकार महामंत्र को प्राणी जपते ही रहो। ओ जिस देश में, जिस भेष में, हर साज में, हर आवाज में, हर अंदाज में बोलो। हर
अपना मुख खोलो जिस देश में, जिस देश में परिवेश में रहो। नमोकार महामंत्र को भैया हर पल जपते रहो, हर पल रटते रहो, हर पल ध्याते रहो। जवलो पंच परमेष्टि महान नमोकार महामंत्र की जय। अब हम सभी लोग भगवान आदिनाथ स्वामी की आराधना करेंगे। मानतुंग आचार्य स्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से जो है आदिनाथ भगवान की महास्तुति की, और कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में संकट आए तो हमें यहाँ वहाँ नहीं भागना है, भगवान की स्तुति में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। और जितने भी चमत्कारी स्त्रोत हैं, जिन स्त्रोतों को पढ़ने से चमत्कार हुआ है, वह जीवन में जब जब संकट आए तब तब हमने भगवान को स्मरण किया। सीता के जीवन में संकट आया तो उसने माता पिता को याद नहीं किया, अरहंत सिद्ध परमात्मा को याद किया। मैना सुंदरी के जीवन में संकट आया तो उन्होंने भी सिद्धों की आराधना की, सिद्धों को याद किया। सुदर्शन सेठ के जीवन में कुछ संकट आया तो पंच परमेष्टि की आराधना की। चंदन बाला के जीवन में भी आया, मनोरमा जितने भी थे, कहानियां पढ़ो सैकड़ों, उन सब में उन्होंने किसको याद किया? पंच परमेष्टि भगवान को याद किया, किसी ने अरहंत को, किसी ने सिद्ध को, किसी ने गुरु को। तो ऐसे ही हमारे मानतुंग आचार्य के जीवन में जब संकट आया तो उन्होंने किनको नमस्कार किया, किनको स्मरण किया? इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को स्मरण किया, और उनकी ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने 48 ताले तोड़ने के लिए भक्तांबर नहीं रचा, वो तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, बोल तो गए। जैसे अपन हिंदी बोलते हैं ना, ऐसे वो क्या बोलते गए? संस्कृत में काव्य बना बना करके बोलते रहे और आराधना में लीन रहे। और जैसे जैसे भक्ति, इतनी जब तीव्र भक्ति हुई तो महानुभाव, जब असाता कर्म साता में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो सामने का बाहर का वातावरण भी तुम्हारे अनुकूल हो जाया करता है। जैसे ही उनका कर्म असाता से साता में हुआ और कर्म की उदीर्णा हुई, और उदीर्णा जब हुई तो पुण्य आया उदय में, और जैसे ही पुण्य उदय आया, जैसे देखो तीर्थंकर कभी जन्म नहीं हुआ, अभी स्वर्ग में है वो, लेकिन 6 महीने पहले ही देवी देवता क्या करने लगे? किसका प्रभाव? किसका प्रभाव? पुण्य वर्गणाओं का इतना तीव्र प्रभाव, ऐसी उनकी पुण्य वर्गणाओं का ऐसा तीव्र उदय आया कि अपने आप ही सौमेव 48 ताले टूटते गए और वो जो हैं बाहर आए। तो ऐसे ही हमें ताले तोड़ने के लिए भक्तांबर नहीं पढ़ना, ठीक है ना? आप तो भगवान की भक्ति में लगो और आपका पुण्य बहुत बढ़ेगा, और सौमेव ही आपके सामने जितनी प्रतिकूलताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और सब कुछ अनुकूल वातावरण अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो अब आज अपन यहाँ पर जिनेंद्र जैन नरपतिया और इनके दोनों बेटे शुभम और सन्नी, सभी लोग, और सिटानी बैठी हुई है, दोनों बहुएं कहाँ गई, ये सभी लोग, ये बहुत दिनों से इंतजार में थे कि घर में गुरुदेव आए और यहाँ पर भक्तांबर का जो है पाठ हो और आराधना हो, दीप आराधना हो। हम सब लोग यहाँ पर, आप सब लोग भी यहाँ पर इनके भक्ति की, गुरु भक्ति की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रभु जो है आदिनाथ की स्तुति करने के लिए आए हुए हैं। कहते हैं सामूहिक रूप से जो पुण्य किया जाता है तो उसका फल अचिंत होता है, ध्यान रखना। सामूहिक पाप भी बहुत होता है और सामूहिक पुण्य भी बहुत ज्यादा होता है।
भजन, पूजन और भोजन, ये तीनों सामूहिक में बड़े आनंद देते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर, ये भगवान की पूजन है, ये भगवान का सम्मान है, भगवान की आराधना है, सामूहिक रूप से करेंगे। आपको पता है कि एक तीर्थंकर के साथ जब उनका मोक्ष होता है तो कितने तीर्थंकर जाते हैं, कितने और भी जो है मुनिराज बनते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं तो कितने और उनके साथ दीक्षा लेते हैं। तो आप अपनी तैयारी करो नहीं करो, हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ना। जब आप सब लोग आके सुनोगे, अनुमोदना करोगे, जब कभी हमारा भी समोषण लगे सब तुम वहीं पर दिखाई दोगे, मुनि बन करके, आरिका बन करके। तो ये सब अनुमोदनाएँ हैं, ये सब मिलने का संयोग है, ऐसे नहीं मिल जाता संयोग, ये संयोग ऐसे ही मिलता है। फिर देखते हैं कि एक मुनिराज के साथ, एक तीर्थंकर के साथ उनके काल में कोड़ा कोड़ी लोग क्या चले गए, मोक्ष चले गए। ये भावना भाई होगी कि कभी हमारा भी, जैसे गुरु महाराज आगे बढ़ रहे हैं हम भी बढ़े, जैसे उनका मोक्ष हो ऐसा हमारा भी मोक्ष हो, ऐसी भावना भाई। और ये भावना भा करके हम भी क्या करते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। आज हम सब लोग भी ऐसे आदिनाद भगवान की स्तुति करेंगे कि हे प्रभु, इस स्तुति के माध्यम से हमारा जीवन धन्य हो और हमारा आत्मा का उद्धार हो। तो यहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ हैं दीप की आराधना की, और कहाँ पर करेंगे एक एक करके जैसे भी आते जाएंगे व्यवस्थाएं हैं, आप कीजिए। जय लो भक्तामर महास्त्रोत की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। और 48 रिद्धि मंत्रों के माध्यम से आइए आप और हम सब मिलकर गुरुवर के सानिध्य में भक्तामर महादीप अर्चना का प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण से इस पाठ का प्रारंभ करते हैं, पेज नंबर 6। आदिनाथ जिन चरण में जो रखता निज मां भक्त अमर पद प्राप्त कर बनता निज का नाम। सर्विस्त्रोत में अतिशयकारी महिमाशाली स्त्रोत महा सब दुखों का नाशन हारा संकट हारक स्तवन श्लोक स्वयं ही मंत्र रूप ही माना है। जिसने इसको पढ़ा भक्ति से भगवत पद पहचाना है। मान तुंग आचार्य गणी ने बंधन से मुक्ति पाई है। टूट गए 48 तारे जनता सारी हरिशाई पावन स्त्रोत से सर्व कष्ट मिट जाते हैं। तन मनिया चेतन के दुख हो पढ़ते ही नस जाते हैं। इस स्त्रोत में आदि प्रभु के गुण की महिमा गाई है। अनुपम प्रभु को उपमा देकर भक्ति की ज्योत जला प्रातिहारियों का वर्णन अतिशय सुख को देता है। सर्व भयों से विमुक्त होकर भक्त अभय हो जाता है। रोग और बंधन को क्षय कर सम्मानित पद पाता है। अजर अमर अविनाशी होकर निज पद में रम जाता है। विश्व वंद श्री प्रथम तीर्थंकर ऋषभ नाथ को वंदन है। नाभिराय के राज दुलारे मरुदेवी के नंदन है। भव समुद्र में पतित जनों के आप मिटाते
कवच काया से करता हूँ त्रिभुवन पति का अभिनंदन। नाथ आगमन की बेला में पलक पावड़े बिछा दिए, कब आओगे मन मंदिर में नयन दर्श भिन तरस गए। अधीर प्रभु तड़प रहा मैं, तुम बिन ना रह पाऊंगा। अपने उर के सिंहासन पर नाथ तुम्हें पधराऊंगा, मैं नाथ तुम्हें पधराऊंगा, मैं नाथ तुम्हें पधराऊंगा। 48 दीप जलाऊंगा, मंत्रों को गाऊंगा, मैं गुण प्रभु गुण के गाऊंगा, मैं यशोमता का गाऊंगा। आदिनाथ को ध्याऊंगा मैं, ऋषभ देव को ध्याऊंगा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की। हाँ माइक के बस बढ़ाओ। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। हाँ एक बात तो बताना चाहता हूँ मैं कि अभी हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा दिल्ली प्रदेश के महामंत्री बनने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ हमारे धीरज जी कासलीवाल को, यहाँ पर आए आशीर्वाद लें, जिन्होंने बहुत अच्छे अपने खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के भी महामंत्री हो गए और दिल्ली प्रदेश के भी आप महामंत्री हो गए। आप इनकी अनुमोदना करें कि अच्छे धर्म कार्य करें और सबको बढ़िया इसी प्रकार से आगे और भी ऊंचाई में जाएं। बहुत बहुत हाँ भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा जो राष्ट्रीय है और दिल्ली प्रदेश में आपको महामंत्री पद से और खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज में आप महामंत्री पद से पहले से शोभित हैं। जिनेन जी नरपतिया जी सम्मान करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए और एक एक रिद्धि मंत्र पर एक एक व्यक्ति आए और प्रभु की दीप अर्चना में अपनी सहभागिता दें। गुरुदेव संस्कृत में पढ़े हाँ, और उसके बाद लास्ट के दो लाइन और रिद्धि मंत्र बस, बस जी। भक्तामर प्रणत मोली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम्। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनाना। मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े पापा अर्घम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े पापा अर्घम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं छोटे बाबा नमो नमः। ओम ग्रीम अर्हम अवधि ज्ञान बुद्धि हृदये अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलम करोमि। द्वितीय ये संस्तुता सकल वाङ्मय तद्बोधा तद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथे स्रोते जगत्रितय चित हरे रुदारे स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। तो बोलो ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐ बड़े बाबा अरहम नमा, ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐ बड़े बाबा अरहम नमा, ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐ छोटे बाबा नमो नमः।
ओम भ्रीम अर्हम मनः परज्ञान बुद्धि रिद्धे मनः परज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा बुद्ध्या विनापि विबुदार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्धत मतिर् विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं छोटे बाबा नमो नमः ओम ह्रीम अरहम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धे केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमः दीप प्रज्वलनम करोमि वक्तुं गुणांगुण समुद्र शशांक कांता कस्ते शमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनोद्धते नक्र चक्रम को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं छोटे बाबा नमो अरहम बीज बुद्धि रिद्धे बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्र नवेति किं निजसे सोह परिपालनार्थम मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम अरहम कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरेक हेतु मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है अरहम पदानुसारी बुद्धि रिद्धे पदानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलम शेष माशु सूर्यांशु भिन्न विव शार्वर मंदकारम मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्रीम ऐं बड़े बाबा अरहम अरहम संभिन्न संस्तुत्व विद्धि रिद्धे संभिन्न संस्तुत्व विद्धि रिद्धे प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फल दुति मुपेति ननोद बिंदु मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्त अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम ओम ह्रीम अरहम दुरास्वादित्व बुद्धि रिद्धि दुरास्वादित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा हस्तां तवस्तव नमस्त समस्त दोषं त्वत्संघतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुति प्रभेव पद्मा करी शुजल जानी विकास भांजी मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ह्रीम अरहम दूर स्पर्शित्व बुद्धि रिद्धि दूर स्पर्शित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तिमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु दीन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु कीत्वा पयश शिखर दुति दुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जल निधेरसितुं क ईचे मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ह्रीम अरहम श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा यही शांति राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु तेऽण्यप्यम् पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम ह्रीम अरहम दूरदर्शनत्व बुद्धि रिद्धि दूरदर्शनत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा वक्रं क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलंक मलिनं क्वनिशाकरस्य यदा स्वरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम् मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है वक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ह्रीम अरहम दस पूर्वित बुद्धि रिद्धि दस पूर्वित बुद्धि रिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा
संपूर्ण मंडल ससांग कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्र भुवनम तव लंघयन्ति। ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तानि वारयति संचरतो यदेष्टम्। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। चतुर्दश पूर्वित बुद्धि रिद्धि चतुर्दश पूर्वित वृद्धि बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। चित्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम्। कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेना किं मंदरादि शिखरम चलितं कदाचित्। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ब्रीम अरहम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरहा कृष्णम जगत्रयमिदं प्रगटी करोसि। गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपो परस्वमति नाथ जगत प्रकाश। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ग्रीम अरहम प्रज्ञा समनत बुद्धि रिद्धि प्रज्ञा समनत बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टी करोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नमो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र लोके। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ग्रीम अरहम प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहु बदनस्य न वारिदानां। विभ्राजते तव मुखाज्वमनल्प कांति विद्योदय जगत पूर्व शशांक बिंबम। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ग्रीम अरहम वादित बुद्धि रिद्धि वादित बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। किं सर्वेरीषु ससिनाहिनि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथः। निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्य किय जलधरे जलभार नम्रे। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है।
और हम सर्वविक्रिया बुद्धि रिद्धि सर्वविक्रिया बुद्धि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। हाँ, रोहिणी से भी सभी भक्तगण आए हुए हैं, वो लोग भी क्रम से आते जाएंगे। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादि सुनायकेषु तेजस्वरण्मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम शिव क्लीम ए बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ग्रीम शिव क्लीम ए बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम नवस्तल गामी चरण क्रिया रिद्धि नवस्तल गामी चरण क्रिया रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। कैलाश जी आ जाइए, बढ़ जाते जी। मन्ने वरम हरिहरादे एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चित् मनोहरति नाथ भवान्तरे भी मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तामर में ऋषभ देव महिमा गाई है। ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम जल चारण क्रिया रिद्धे जल चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। स्त्रीणां शतानि शतशोचनयन्ति पुत्रा नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राचेवदिक् जनयति स्फुरदंशुजालम् मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम क्लीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम क्लीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम जंगाचारण क्रिया रिद्धे जंगाचारण की रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्ता त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम जंगाचारण क्रिया रिद्धे जंगाचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तामर में ऋषभ देव महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम फल पुष्पत्र चारण क्रिया रिद्धे फल पुष्पत्र चारण रिद्धि क्रिया प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता मानतुंग मुनिवर में प्रभु की
भक्ति समाई है, भक्ता मर मेरी शबदेव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ग्रीम अरहम अग्नि धूप चारण क्रिया रिद्धि, अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तव्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्, धातासि धीर शिव मार्गे विधिर विधानात्, वक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्ता मर मेरी शब देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीम अरहम मेघधारा चारण क्रिया रिद्धि, मेघधारा चारण की रिद्धि प्राप्त नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। सभी हाथ जोड़ लेंगे। तुभ्यम नमस्त्र भुवनार्थि हराय नाथ, तुभ्यम नमा चितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्र जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, वक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम तंतु चारण क्रिया रिद्धि, तंतु चारण की रिद्धि प्राप्तव्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरसैस, त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश, दोषैरुपाति विविधाश्रय जात गर्वहि, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोषि। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम क्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम ज्योतिष चारण क्रिया रिद्धि, ज्योतिष चारण क्रिया रिद्धि प्राप्त नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमो वितानं, बिम्बं रवेरि विपयोधर पार्श्ववर्ती। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम मरुच्चारण क्रिया रिद्धि, मरुच्चारण की रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिम्बं वियत् विलसदंशुलता वितानं, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति है समाई, भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा सबने गाई है। ओम ह्रीम अरहम सर्वतपः रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलदौत कान्तम्, उद्यच्छ सांग सुचि निर्जर वारि धार, मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव सात कौम्भम्। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्ता मर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा।
ब्रह्मचारित्व तपहरिद्धि अघोर ब्रह्मचारित्व तपहरिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा छत्रत्रयं तव विभाति ससांग कांत मुच्चैस्ततम स्थगत भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम् मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ग्रीम अरहम मनोबल रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन हे दुंदुभिर ध्वनति तेह यस सह प्रवादी मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव महिमा गाई है ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ग्रीम अरहम वचन बल रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा आकाश मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरु प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वच सांत तिर्वह मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ह्रीम अरहम कायबल रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि अरे जोड़े से चढ़ो जोड़े से हाँ ऐसे मत करो अब चलो दोनों शुभम जोड़े से आ जाओ शुभम हाँ सन्नी कहाँ गए दोनों बहु इधर आओ सुम्बत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमां क्षिपन्ति प्रोतदिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीपत्यय जयत्न श्यामपि सौम्य सौम्याम् मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ग्रीम श्रीम क्लीम में बड़े बाबा अरहम नमा ओम ग्रीम श्रीम क्लीम में बड़े बाबा अरहम आमर्ष औषधि रिद्धि आमर्ष औषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि हाँ शुभम आ जाओ स्वर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैक पटोस्त्र लोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा ओम ह्रीम अरहम छ्वेल औषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि हाँ नंदिता आजो उन्नींद्र हेम नव पंगज पुंज कांति पल्युल सन्नक मयूख शिखा विराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम जल औषधि रिद्धि जल औषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। नंदिता का सम्मान करो। इत्थम यथा तव विभूतिरभूत जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतांतकारा तादृक् कृतो ग्रहगणस्य विकासनोऽपि। सबने गाई है मान तुम मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम मल औषधि रिद्धि मल औषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। तो तन्मदा विले विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमत भ्रमर नाति विवृद्ध कोपम ऐरावताव विमुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम विप्र औषधि रिद्धि विप्र औषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। भिन्ने कुंभ गल दुज्ज्वल सोनिताप्त मुक्त फल प्रकर भूषित भूमि भाग क्रम क्रम गतम हरिणादिपोपी आक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम ते। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्री क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ग्रीम श्री क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम सर्व औषधि रिद्धि सर्व औषधि रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। भरत आ गया? भरत ने कर लिया? भरत क्या नाम था? अभय। हाँ कल्पांत काल पवनोद्धत वन्निकल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फलिंगम विश्वम जिगत सुमिव सम्मुख मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत शीशम। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम मुख निर्विसृद्धि प्राप्तभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणन मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रम युगेणि निरस्त संकस त्वन्नाम नागदमिनी हृदयस्य पुंसः। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम दृष्टि निर्विसृद्धि रिद्धि दृष्टि निर्विसृद्धि प्राप्तभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्यत्ति वा कर्मयोगी शिखा पविद्धम
तत्कीर्तिनातम इवासु विधा मुपैति। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तावर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम दृष्टि विसृद्धे दृष्टि विसृद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। हाँ, सुरदल विहार से भैया आए हुए हैं, उनका भी सम्मान करो। कुंताग्र भिन्न गज सोण तबारिवाह, वेगावतार तरणातुर योद भीमे। युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तावर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीं अरहम क्षीर श्रावी रसृद्धे क्षीर श्रावी रसृद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। अम्भो निधौ छुवित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोल्वण बाण भाग्नौ। रंग तरंग शिखर स्त्रित यान पात्रा, त्रासं विहाय भवत स्मरणाद् व्रजन्ती। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओ रोहिणी की अम्मा आ जाओ, जल्दी आओगे। हाँ, ओम ह्रीम अरहम अमृतश्रावी रसृद्धे अमृतश्रावी रसृद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांग, गाढ़ं बृहन्निघट कोटिनिग्रस्त जंघा। त्वन्नाम मंत्र मनीष मनुजा स्मरन्ता, सत स्वयं विगत बंद भया भवंती। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तावर में ऋषभ देव की महिमा गाई। ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। अभी बालाश्रम में जो माता बनी थी भगवान की, कहाँ गई वो? इधर आओ। हाँ, एक साथ अपनी सहेली के साथ आओ, ये भी सहेली है आपकी, द्रौणी जिठानी है, दोनों के साथ आओ। ओम ह्रीम अरहम सर्पी श्रावी रस रिद्धि, सर्पी श्रावी रस रिद्धि प्राप्तभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। मत्यद्युपेन्द्र मृग राज दवान लाही, संग्राम वारधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशु नाश मुपयाति भयं वियेव, यस्तावकं स्तव मिमं मतिमान धीते। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगनः, सोच्याम दशामुपगताश्युत जीवतासः। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। ओ मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा, ओम ग्रीम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमा। ओम ह्रीम अरहम अमृतश्रावी रसृद्धे अमृतश्रावी रसृद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। अब कौन सा बोलना है? 47 बोलना है। मत्यद्युपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशु नाश मुपयाति भयं वियेव, यस्तावकं स्तव मिमं
श्रीमती मान धीते। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में शबदेव महिमा गाई है। ओम क्रीम श्री क्लीम ईम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम क्रीम श्री क्लीम ईम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम क्रीम अरहम अक्षीण महानस रिद्धि रिद्धि प्राप्त अक्षीण महानस सिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहा। अब भैया बस अब सब हो जाओ, आदिनाथ टीम आ जाओ, यहाँ पर तीनों डायरेक्टर यहाँ पर आ जाओ, सीईओ आ जाओ, आकाश जी आ जाओ, राजेश जी आ जाओ, हमारे जिनेंद्र जी आ जाएं, निशांत जी आ जाएं, आदिनाथ टीम यहाँ पहुँच जाएं अंतिम काव्य के लिए। आओ निशांत, राजेश जी, आकाश, जिनेंद्र, हाँ लीजिए अंतिम दीपक लीजिए, आदिनाथ टीम लेगी। स्त्रोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। प्रभु गुण की डोरी में अक्षर पुष्प पिरोए हैं भक्ति माल में आदि प्रभु के गुण ही गाए जो श्रद्धालु स्वयं कंठ में स्तुति माला धारे मान तुंग सम उन्नत होवे मुक्ति रमा चैनल चलता है। इनमें पांच डायरेक्टर हैं और तीन डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे राजेश जी, हमारे जिनेंद्र जी, नरपतिया जी और निशान जी, और दो जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम से गए हुए हैं। आज ही झारखंड शाम को निकल चुके हैं और उनकी कल जो है मुख्यमंत्री से मीटिंग है, हमारे गजराज गंगवाल जी और पवन गोधा जी। और यदि भावना रही और आज का अपना भक्तांबर स्त्रोत बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है कल हमको अच्छी खुशखबरी भी संबित शिखर की मिल सकती है। तो आज वो गए हुए हैं तो उनके नाम से भी हमारे पांचों डायरेक्टर जो हैं और आदिनाथ चैनल ने जो है संबित शिखर के बारे में भी बहुत अच्छा जो है दिखाया और अच्छे कार्यक्रम प्रोग्राम आदि जो है लेकर के आए हुए हैं। एक वर्ष भी अभी नहीं हुआ है और एक वर्ष भी नहीं हुआ और ये आदिनाथ चैनल जो है विश्व में 186 देशों में दिखना प्रारंभ हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा यह आदिनाथ चैनल प्रथम तीर्थंकर के नाम से, युगादि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के नाम से यह चैनल है। सभी लोग बहुत जो है श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, गाँव-गाँव में जहाँ पर लोगों के पास साधन नहीं है वहाँ भी जो है इन्होंने वहाँ की लोकल जो डिक्स हैं उनमें भी पहुँचाने का काम किया है। ऐसी कोई डिक्स नहीं है जिसमें यह आदिनाथ चैनल चल नहीं रहा है, सभी में इसकी प्रस्तुति बहुत सुंदर चल रही है। हमारा बहुत मंगल आशीर्वाद है। यह दीप प्रज्वलन रखते समय यह भाव रखें कि हम सब भगवान के महावीर के ज्ञान को दुनिया तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसी मंगल भावना से दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भ्रीम अरहम अक्षीण महालय रिद्धि अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्तव्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। हाँ कैलाश बटजात्या जी आ जाएंगे और धीरज जी, विनय जी, इन तीनों महानुभावों का आप यहाँ पर सम्मान करें। आ जाओ यहाँ पर, तीनों को
अरे रुक जाओ, नहीं आप लोग ये लोग करेंगे, धीरज जी इनका करेंगे, राजेश का करेंगे, जिनेंद्र का करेंगे, निशांत का करेंगे, कैलाश बढ़ जाता जी और उनके साथ आए भैया भी आ जाए। हाँ ये हैं बने जी, आ जाओ। हाँ हाँ भैया, हाँ आप लोग अनुमोदना करें कि आप लोग इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना कर दें। आ जाइए बने जी। हाँ हाँ निशांत जी का, हमारे डायरेक्टर जी का। हाँ हाँ आ जाए, एक साथ आ जाए, कर दीजिए जिनेंद्र का कर दीजिए दोबारा, और हाँ और करो कोई दिक्कत। हाँ बीच में आवाज थोड़ी, ये बात ये बात। चलिए, आदिनाथ भगवान के चरण कमल सुखदाए, श्रद्धा से गुणगान कर भक्त अमर पद पाए। त्रिभुवन पति श्री ऋषभ देव को मन वचन से वंदन है, नाभि राय के नयन सितारे मरु देवी के नंदन है, मालव प्रांत नगर जैनी शूर प्रभुवर की भक्ति करता, तन मन चे
बंधन से शीघ्र मुक्त ही वो होता। मान तुमने मुनिवर के जैसी श्रद्धा भक्ति प्रकट करूं, राग द्वेष जग में समता धर भगवंतन के कष्ट हरूं। भक्तामर की दिव्य शक्ति को भाव सहित में नमन करूं, एक यही अभिलाषा भगवन शुद्धातम में रमण करूं। मैं शुद्धातम में रमण करूं, मैं शुद्धातम में रमण करूं। भक्तामर जिन स्रोत का पाठ करे नित भव्य, तज कर सर्व विभाव वो पाले भगवान। और आइए हम सभी मिलकर पंच परमेष्ठी की आरती करेंगे। हाँ, पंच परमेष्ठी आरती कर लेंगे, सब लोग आ जाएंगे। सबसे निवेदन है, जिनेंद्र जैन जी का निवेदन है, कोई भी नहीं जाएगा इस दहलीज से, कोई बाहर नहीं जाएगा। चलो कविता। अच्छा, आप सभी के लिए स्वय अल्पाहार की व्यवस्था की गई है परिवार की ओर से, तो उनका आतिथ्य स्वीकार करें और जो लोग खा सकते हैं वो जरूर खा। आरती करो, आरती करो, सभी के लिए बिना नाच के। मंगल दीप जलाओ, मंगल थाल सजाओ, मंगल दीप जलाओ, मंगल थाल सजाओ। मैं तो आरती उतारूं प्रभु जी तेरी, मंगल दीप जलाओ। Thank you.
जय बोलिए परम पूज आचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव की। और गुरुवर यहाँ पर विराजमान है। गुरुजी, गुरुदेव, आपसे एक सह परिवार, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हमारे एक निवेदन है आपसे। हमें ना साल में सिर्फ एक दिन चाहिए जो किसी भी एक दिन आप हमारे घर पर आ सके, हमारा घर शुभ कर सके, ऐसा प्रोग्राम हो। जब तक आप दिल्ली में हैं, आपका रास्ता इधर से कई बार निकलता है साल में, एक प्रोग्राम जरूर चाहिए। तो आप लोग संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं नहीं, संघर्ष करते करते 6 साल लग गए, ऐसा नहीं चाहिए। आपका वचन चाहिए ना, मास्टर को बात ही मत करो, मास्टर बात लो, तक सब है। देखिए हमारे शुभम संकी और जिनेंद्र सनी और जिनेंद्र जैन और कहाँ गई सटानी, कहाँ गई, और दोनों बहुएं कहाँ गई, इधर आओ। देखो सुन को जाओ भाई, आपको पता है कि आपके पास ही यहाँ पर विद्यानंद गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा है, और जब द्वारका मंदिर प्रारंभ हुआ था तो सर्वप्रथम हमारे कैलाशन जी कहाँ गए, बढ़ जाते हैं जी, आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। जब हम लोग बैदवाड़ा में थे तो हमारे जिनेन जी, कैलाशन जी और शरद कासलीवाल ये सब लोग थे, और इन्होंने तुरंत ही दान करके अपने संरक्षक बन करके 5-5 लाख रुपए दान दे करके तुरंत ही द्वारका की ज़मीन ले ली थी, और आज देखो कितना बड़ा मंदिर बन गया है। और आज यही भाव जो है हमारे जिनेन जी के और शुभम के और सन्नी और दोनों बहुएं और परिवार, इनके भाव बने हुए हैं। गुरुकुल में जो है इन्होंने 5 लाख रुपए की राशि बोल करके आज अपना सौभाग्य अर्जित किया है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। देखो भैया हर साल बुलाओगे तो 5 लगेंगे। नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत आशीर्वाद। और वहां पर क्या बोलते, खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में आपकी तरफ से वासुपूज भगवान की, देखो
17, 18, 21 फुट की प्रतिमा बहुत सुंदर बनने जा रही है। इनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना कीजिए, बहुत सुंदर प्रतिमा है। और हमारे धीरज कासलीवाल जी कहाँ गए? आ जाओ। आपकी तरफ से खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा जो है 13 फुट की प्रतिमा पद्मासन बहुत सुंदर परिकर से बनने जा रही है। इनकी भी पुण्य की अनुमोदना करें। और वहाँ पर एक प्रतिमा बन रही है मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, वहाँ वो प्रतिमा किसी पर्सनल की नहीं बन रही है, उस प्रतिमा में सबका योगदान बन रहा है। 21 फुट की प्रतिमा मुनि सुब्रत नाथ भगवान की प्रतिमा बन रही है खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में, कनाट प्लेस में। और उसमें इन्होंने भाव रखा है जो जितनी राशि देना चाहे अपनी स्वेच्छा से उस मुनि सुब्रत नाथ भगवान की प्रतिमा में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत सुंदर तीर्थ बनने जा रहा है। भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल जो है कनाट प्लेस, जहां पर धर्मोदय तीर्थ अपना बनने जा रहा है। आप सब लोग भी उस तीर्थ के दर्शन करेंगे। आने वाले समय में बहुत सुंदर वहाँ पंचकल्याणक होगा, जो विश्व का बहुत बड़ा पंचकल्याणक होगा। आप सब लोग को देखने का अवसर मिलेगा। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की, वासुपूज भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। और उसके बाद आज आपके बीच जयकारा गुरुदेव।